नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेदांता की उस न्यूज के बारे में जिसने तहलका मचा के रखा हुआ है, जिस न्यूज ने इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये डर बैठा दिया है कि अगर वेदांता डिलिस्ट हुआ तो क्या हुआ, क्या वेदांता डिलिस्ट हो जाएगा, हमें वेदांता में पोजीशंस बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, जिस प्यार का नतीजा है कि आज हमारे चैनल के ऊपर 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। बहुत अच्छा माइलस्टोन है, मुझे बहुत खुशी है और आपके इस प्यार के बिना ये नहीं हो सकता था। वेदांता डिलिस्टिंग, आखिर क्यों डिलिस्ट कर रही है वेदांता? वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और आज हम इसके बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि वेदांता ने डिलिस्टिंग करने का फैसला लिया है इंडियन एक्सचेंजेस से। डिलिस्टिंग का सीधा मतलब है कि वो कंपनी को प्राइवेट ले जाना चाहती है और उनके शेयर्स को मार्केट में नहीं रखना चाहती। सवाल यह है कि अचानक क्या हो गया कि देश की सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड मेटल एंड माइनिंग कंपनी ने यह फैसला लिया। अगर आप वेदांता शेयर्स के प्राइस पैटर्न को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी समय लास्ट ईयर वेदांता का शेयर 160 रुपए के आसपास चल रहा था। ये प्राइस 130 के आसपास था मार्च 2020 तक, लेकिन मार्च 2020 के बाद जैसे ही कोरोना वायरस का इंपैक्ट ग्लोबली दिखने लगा वैसे ही वेदांता शेयर प्राइसेस गिरने लगे और फिलहाल आज की तारीख में वेदांता 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 43% गिर चुका है सालाना तौर पे। और ये गिरावट कोरोना वायरस का डायरेक्ट इंपैक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदांता लिमिटेड का ये पहला डिलिस्टिंग का फैसला है। वेदांता पहली ऐसी इंडियन कंपनी थी जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को एनलिस्ट किया था 2003 में $644 मिलियन की ऑफरिंग के साथ में। लेकिन सितंबर 2018 में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने लंदन एक्सचेंज से डिलिस्ट किया। उनकी तरफ से रीजन ये दिया गया था कि इंडियन मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है कि दोज के लिस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ उनका ऑफिशियल रिस्पांस ये भी था कि वो कंपनी के फाइनेंसिस और रीस्ट्रक्चरिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं जिसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और वो कंपनी को प्राइवेट करके ही किया जा सकता है। 2018 के इस डिसीजन के पीछे का रीजन शायद सच में यही हो, लेकिन आज का डिसीजन के पीछे रीजन शायद थोड़ा और गहरा है। आज के वीडियो में हम वेदांता के इस डिसीजन के ठीक रीजन ढूंढेंगे और आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। दोस्तों आप घर बैठे हैं और अपना करियर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। जी हाँ, एंजल ब्रोकिंग देश की नंबर वन कंपनी का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वेदांता खतरे में है? किसी भी कंपनी का एनालिसिस सही तरीके से करने के लिए उसके बारे में पूरा जानना बहुत जरूरी है। वेदांता का प्राइमरी फंक्शन है माइनिंग। देश में काफी माइंस ऑपरेट करने वाली वेदांता का ओनर है माइनिंग मैग्नेट अनिल अग्रवाल। 1976 में इन्होंने मुंबई में अपनी पहली कंपनी रजिस्टर की थी एक स्क्रैप मेटल डीलरशिप के तरीके से। 2001 में इन्होंने इंडियन स्टेट एल्युमिनियम कंपनी बाल्को को एक्वायर किया। 2003 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए $876 मिलियन रेज किया। 2006 में स्टरलाइट गोल्ड, 2007 में सीसा गोवा आयरन माइनिंग कंपनी, 2011 में 58% स्टेक लिया केन इंडिया में, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इन सबको एक्वायर किया। 2013 में स्टरलाइट इंडस्ट्री और सीसा गोवा ने मर्जर अनाउंस किया जो अगस्त 2013 को कंप्लीट, और उनकी कंपनी सीसा स्टरलाइट अभी वेदांता रिसोर्सेज के नाम से जानी गई। 2018 के जून में वेदांता ने इलेक्ट्रोस्टील कंपनी में 90% स्टेक एक्वायर किया जो स्टील मैन्युफैक्चरर था। इस तरीके से वेदांता इंडिया की सबसे बड़ी मेटल एंड माइनिंग कंपनी बनी। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी क्या 3 महीने का लॉस का धक्का नहीं सह पाई? इतनी सारी सब्सिडियरीज के होने के बाद क्यों वेदांता कोरोना की मार नहीं सह पाई और डिलिस्टिंग का रिक्वेस्ट डाल दिया? इसके पीछे है उनकी डेट्स और कुछ डेट्स के मैच्योरिटी डेट्स जो आने वाले 12 से 15 महीने में आएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2017 के मुताबिक वेदांता का नेटवर्थ था $73 बिलियन, उनका डेट अमाउंट है $7 बिलियन और इसमें लगभग $1.9 बिलियन मैच्योरिटी कर रहा है अगले 12 से 15 महीने में। अगर ये डिविडेंड्स के जरिए पैसा रेज करने जाएं और उससे इंटरेस्ट पे करने की कोशिश करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा लॉस या लीकेज होने के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि वेदांता में अभी भी 50% माइनॉरिटी स्टेक्स हैं और इनके सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक में भी 35% माइनॉरिटी स्टेक्स हैं। वेदांता ने अपने डिलिस्टिंग प्राइस फिलहाल ₹87.50 इंडियन रुपीज पर शेयर अनाउंस किया है। इसके हिसाब से वेदांता कम से कम $2.2 बिलियन खर्चा करेगी और सालाना डिविडेंड इनकम में से $500 मिलियन
बिलियन डॉलर का इंक्रीमेंट होगा इस मूव के बाद। लेकिन ये सब मैथमेटिक्स के साथ सच्चाई ये भी है कि वेदांता का डेट अमाउंट काफी ज्यादा है। फाइनेंशियल ग्रेडिंग कंपनी मूडीज ने वेदांता के स्टेटस को स्टेबल से रिव्यू में डाल दिया है, जिससे शायद इसको फ्यूचर में डाउनग्रेड भी किया जा सकता है। कोरोना वायरस के चलते मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े डिमांड की कमी आ गई है। फ्यूचर में भी ये कब ठीक होगा इसका कोई इंडिकेटर नहीं नजर आ रहा है। मार्च 2020 के बाद से वैसे ही वेदांता के शेयर प्राइस में भारी गिरावट आई और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रेजेंट शेयर प्राइस को वेदांता उसके रिसोर्सेज और एसेट्स के हिसाब से काफी कम है। क्या इन सब वजहों से वेदांता ने डिसीजन लिया ताकि मार्केट में शेयर्स का भाव और गिरे, इससे पहले कंपनी को डिलिस्ट कर लें? इससे सबसे बड़ा झटका उनके इन्वेस्टर्स को मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जिस प्राइस रेंज को दिमाग में रख के कभी भी वेदांता के शेयर्स को लेके बैठे थे, शायद वो रियलिटी से काफी दूर है। वेदांता कैसे इन्वेस्टर्स की डिमांड और अपने प्राइस टैग को बैलेंस कर पाती है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये डिलिस्टिंग प्रोसेस कितना सक्सेसफुल होगा। अगर वेदांता अपने मेजॉरिटी स्टेक को 75% के ऊपर ले जा सकती है तो फिर वो कंपनी को डिलिस्ट करा सकती है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये टेंशन रहेगी कि कहीं उनके शेयर्स बाकी बचे 25% में तो ना रह जाए। वेदांता का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही है कि वो कंपनी के फाइनेंसिस को और अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो फ्यूचर ही बता पाएगा। कोरोना वायरस के चलते जो खतरे की घंटी बजी है स्पेशली बैंकिंग, माइनिंग, स्मॉल बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो इंडस्ट्री पे, क्या वेदांता उसका पहला शिकार है? अगर दूसरी कंपनीज जो वेदांता की तरह डेट में हैं और अपने स्टॉक्स को और गिरने नहीं देना चाहती, क्या वो भी रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर खुद को डीलिस्टिंग करा लेंगी? अगर ऐसा हुआ तो पूरा मार्केट खतरे में है। सबसे ज्यादा लॉस इन्वेस्टर्स को ही उठाना पड़ेगा। फिलहाल तो कमोडिटी मार्केट्स के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है, उनके दिन भी खराब चल रहे हैं। ऑयल एंड मेटल्स पूरा रेड में ट्रेड कर रहे हैं और इससे काफी कंपनीज को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब देखना यह है कि वेदांता के इस मूव को उनका बोर्ड पास करता है या नहीं। 18 मई को बोर्ड की मीटिंग में ये डिसाइड होगा। सबकी नजर उस मीटिंग के रिजल्ट पे रहेगी, स्पेशली इन्वेस्टर्स जिनके पास वेदांता के शेयर्स हैं। उसके बाद भी इस डील को इंडियन रेगुलेटरी बोर्ड और यूएसए के रेगुलेटरी बोर्ड से परमिशन चाहिए होगी, तभी जाके ये डील कंप्लीट हो पाएगी। इस खबर पे हमारी नजर रहेगी। आप भी ऐसी खबरों से जुड़े रहें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, जागरूक रहें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।